कहते हैं कि धड़कनों की पटरी पर मोहब्बत की ट्रेन चलती है तो राह में आने वाली मजहब की दीवार टूट कर बिखर जाती है। बिहार के वैशाली से एक ऐसा ही नायाब मिसाल पेश किया गया है। मुस्लिम और सनातन संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले दो युवा जिंदगी भर के लिए हमराही बन गए। मुस्लिम समाज से आने वाली रुखसाना ने सनातन धर्म को स्वीकार किया और अपने हिंदू दोस्त रोशन से शादी कर ली। इस शादी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का प्रभाव साफ साफ दिखा। दरअसल बिहार के वैशाली में मंजिल पर पहुंचे इस प्रेम कहानी की शुरुआत 4 साल पहले गुलाबी शहर जयपुर में हुई थी। मुजफ्फरपुर के गांव की रहने वाली रुखसाना अंसारी की मुलाकात वैशाली लालगंज निवासी रोशन कुंवर से जयपुर के कॉलेज में हुई। मुलाकात पहचान में बदली और पहचान धीरे धीरे मोहब्बत में तब्दील हो गई। मोबाइल ने दोनों के बीच सेतु का काम किया। जाने कब दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि जीवन भर साथ रहने का कसम खा ली। रुखसाना और रोशन की शादी के बीच मजहब की दीवार खड़ी थी। साथ चलने के लिए रुखसाना ने बड़ा फैसला लिया। वह बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के पटना कार्यक्रम से प्रभावित हो गई। उसने खुद अपना धर्म बदलने का निर्णय लिया। नदियों के पवित्र जल से हिंदू विधि विधान के तहत रुखसाना को हिंदू धर्म में प्रवेश दिलाया गया और उसका नाम रुक्मणी रखा गया। दोनों की शादी कराने वाले पंडित कमलाकांत पांडे ने हिंदू रीति रिवाज से लालगंज के रेपुरा गांव स्थित अर्धनारीश्वर महादेव मंदिर में उनका विवाह कराया। इस अनोखी शादी को देखने के लिए कई गांव के लोग उमड़ पड़े। सबने मिलकर वर वधु को आशीर्वाद दिया। जी प्रभु, एक मिनट, हम कॉल आपको करते हैं। 2 मिनट गंगा जी नहा रहे हैं, थोड़ा जल लेके पिया। ओम देवी पते पाद अभी तो हो दीजिए, हाथ दीजिए, तो माथा रख दीजिएगा। थोड़ा दिखाई, सुन देना, कोई दिखाई लगा के दिखाई। ओम देवी पते पाद अभी तो हो भ्याम पोषण हस्ताभ्याम माधे पाद। क्या वैदिक हिंदू रीति रिवाज से हमने धर्मांतरण कराए, जिसमें सर्वप्रथम गौ पंचगव से स्नान, फिर उसके बाद गोबर, गाय के मूत्र, गाय के घी, गाय के दही, गाय के दूध, सर्व औषधि और भस्म, इस प्रकार से स्नान अष्टगंध से स्नान कराकर 3 प्रकार का पाप समाप्त होते हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक जो पाप होते हैं समाप्त हो जाते हैं और भगवान के शरण में आ जाते हैं। भगवान उस पर सदैव कृपा करते हैं। धर्मांतरण संपन्न हुआ है? संपन्न हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पंडित संजय तिवारी। पढ़ाई करने जाती थी, इनसे मिली थी, तब से हम बात बात करते थे। बात बात करने के बाद हम लोग शादी का फैसला किए थे, लेकिन मैं इस्लाम धर्म से थी। मैं बोली थी कि पहले आपका धर्म मैं स्वीकार करूँगी, उसके बाद शादी करूँगी। उसके बाद हम लोग फैसला किए, उसके बाद हम लोग शादी करेंगे। किसी के दबाव में ये स्वीकार किए? मैं अपनी मर्जी से की। अपनी मर्जी से? तो आज खुश हैं? कहाँ से प्रेरणा मिला ये सनातन धर्म स्वीकार करने का? उनका कार्यक्रम सुनकर आप खुद ये मतलब प्रपोजल रखे थे कि हम स्वीकार करेंगे आपके घर, या इनका दबाव था? खुद बोले थे? तो आज खुश हैं?
क्या नाम है? जयपुर में क्या नाम था आपका? नौशीन। पूरा बोलिए पूरा नाम। नौशीन बढ़िया। ये कैसे इनसे संपर्क हुआ, क्या हुआ, पूरी बात बताइए, जोर से बोलिए। पढ़ाई करने जाती थी, इनसे मिली थी, तब से हम बात बात करते थे। बात बात करने के बाद हम लोग साथ में फैसला किए थे, लेकिन मैं इस्लाम धर्म से थी। मैं बोली थी कि पहले आपका धर्म मैं स्वीकार करूंगी, उसके बाद शादी करूंगी। फैसला किए उसके बाद शादी। किसी के दबाव में ये स्वीकार किए धर्म को? मैं अपनी मर्जी से की। अपनी मर्जी से? तो आज खुश हैं? कहाँ से प्रेरणा मिला ये सनातन धर्म स्वीकार करने का? परिवर्तन हुआ, शादी हुई, ये सब आप लोगों की जानकारी में है? जी हाँ, ये जानकारी में हुई थी। क्या कि ये दो जाति के हैं, लड़का लड़की दोनों अपने उसी राज्य से शादी कर रहे हैं, तो हम लोग भी मिलजुल के शादी करा दे रहे हैं कि चलिए जोड़ा लगा देना चाहिए, जोड़ा को बिछाड़ना नहीं चाहिए, चाहे जिस कास्ट में हो।